गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा इंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। 55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा कृष्ण सुपर मार्केटिंग, बूंदाबाऊ कॉम्प्लेक्स, दमोह, बाजार से कम कीमत पर। पूरा देश इस समय जहां राममय हो गया है, वहीं अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में धूम, लोगों में खासा उत्साह है। रामोत्सव को लेकर हटाव दमोह जिले की हटाव उप जेल भी अब पूरी तरह से राममय हो गई है। उप जेल में श्री सूरदास रामायणी जी महाराज की 5 दिवसीय रामकथा का आयोजन प्रबंधन द्वारा कराया जा रहा है। 22 जनवरी को 5100 दीपोत्सव पर विभिन्न विविध अनुष्ठान के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। हटा उप जेल अधीक्षक नागेंद्र से चौधरी, जेल स्टाफ से लेकर सभी कैदी सुबह से शाम तक धार्मिक आयोजन में लीन है। जेल अधीक्षक नागेंद्र से के द्वारा कैदियों में श्री राम के जैसे आदर्श और सिद्धांत स्थापित करने और सुधार के उद्देश्य से अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के बीच यह अनोखा आयोजन के दिन भर विभिन्न धार्मिक भजनों के बीच कैदी जय श्री राम की धुन पर नाच गाकर उत्सव मनाते हैं। वहीं बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी जेल परिसर के हनुमान मंदिर में सुंदरकांड और पूजन अर्चन कर रहे हैं। जेल प्रबंधन के द्वारा जेल की दीवारों पर भगवान श्री राम, राम दरबार, अयोध्या मंदिर के आकर्षक चित्रकारी भी की गई है, जिससे जेल का नज़ारा आप किसी मंदिर से कम नहीं है। फतेहपुर स्थित देव श्री राम कुमार सरकार के महंत श्री अजबदास छोटे सरकार भी उपजेल हटा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे और जेल अधीक्षक कर्मचारियों और कैदियों से मुलाकात की और कार्यक्रम की सराहना की। वहीं जेल अधीक्षक का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। सब जेल हटा में 5 दिवसीय संगीतमय राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे बंदी जो जेल में बार बार अपराध करके आते हैं या भूलवश या उत्तेजनावश उन्हें अपराध कर दिए हैं, तो वो यहाँ आकर के पुनः उस अपराध को इसी जेल में छोड़ के जाएं और समाज में जम्मू को धारा में लौटें, तो वो राम के चरित्र का पालन कर सकें। भगवान राम, जैसा कि हमारे यहाँ कथा में पंडित सूरदास रामायणी जी महाराज के द्वारा कथा में बताया जा रहा है, प्रथम दिवस उन्होंने कहा था कि बंदी भाई अगर स्वभाव और प्रभाव, यानी वो प्रभाव में अगर ना आए, ना आते, तो आज वो जेल ना आते। अगर स्वभाव में ध्यान दिया होता तो वो बाहर ही होते। इसलिए लोग मनों में, आत्मा में, उनके विचारों में स्वभाव परिवर्तन लाने के उद्देश्य से सब जेल हटा में लगातार संगीतमय राम कथा 5 दिवसीय चल रही है। और मेन उद्देश्य तो यह है कि जो इतना विशाल आयोजन राम जन्मभूमि श्री अयोध्या जी में आयोजित हो रहा है सरयू माँ के किनारे, तो हमारे जो बंदी भाई हैं उनके अंदर हीन भावना ना आए, वो अपने आप को समझें कि नहीं, वो अभी भी समाज की मुख्य लाइन में बने हुए हैं, तो उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुधार लाने के लिए 5100 दिए 22 जनवरी को जलवाना है और उनको राम, प्रभु राम के जो चरित्र है वो राम तो नहीं बन सकते, लेकिन राम जी से उनके जीवन को देख करके उनसे जीवन जीने का तरीका जरूर सीख सकते हैं, उसको लेकर कोशिश की जा रही है।